अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर, माँ बेटी रसोई ब्लॉग्स पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं करेले। तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले हमने 250 ग्राम करेले लिए हैं। इसे हमने एक घंटे पहले ही नमक डालकर मैश कर लिया था। अब हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और जो हमें मसाले चाहिए वो चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेजपात और 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा अचार स्वाद अनुसार। और हमने थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन लिया है, उसे अच्छे से कूट लिया है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे ली है 6 प्याज मीडियम साइज की, 3 हरी मिर्च ली है और 1 टमाटर लिया है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए अब अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। हमने कुकर में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। अब हम इसमें करेले डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। सब आप देख सकते हैं हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया, ब्राउन। और अब हम लोग डालेंगे कुकर में प्याज ब्राउन करने के लिए। हरी मिर्च, तो अब आप देख सकते हैं हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन जो हमने कूट लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, करेले जो हमने फ्राई करे थे उसे, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक, धनिया, जीरा, मिर्च, कश्मीरी मिर्च, इलायची, अचार सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हमने इसे बंद कर दिया है और अब हम इसमें 5 सीटी लेंगे। सो गाइस, हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और भिंडी भी। और भिंडी की रेसिपी आपको हम शॉर्ट्स में देंगे, तो आप पापा टेस्ट कर बताएंगे। ये भिंडी, यस भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सब लोगों से कि कोशिश करें कि एक ही प्लेट में लें सब्जी, बर्तन कम हो। हम लोगों के तवील धोने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। करेले बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी करेले हैं। और ये भिंडी, भिंडी सबकी पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है ये भिंडी, बहुत बढ़िया भिंडी, करारापन बहुत अच्छा है इसके अंदर, खाने में बहुत टेस्ट आ रहा है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस रेसिपी को अपने लोगों में, अपने घरों के अंदर इसको बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक रिश्तेदार और जिनसे आप मोहब्बत प्यार करते हैं उन्हें शेयर करें, ताकि वो भी ये रेसिपी का मजा लें और अपने घर में ये बनाकर खाएं। थैंक यू।